चलो बाय। अपन ने तो इस गाड़ी को डिबोर्ड कर दिया। और भाई सडनली मौसम की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है। चलो भाई करनाल से निकल रहे हैं अभी। और अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है सुबह से क्या रात से ही हो रही है। टाइम देख लो और अपनी गाड़ी है 9:44 पर। चलो बाय। अभी टाइम हो गया है 9:20 और अपनी गाड़ी है 9:40 की। भाई अपना टिकट आ चुका है और मैंने बुक किया इसके थ्रू। मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे आप ऑल स्टेशन करोगे देन आपको डालना है जो भी आपका डिजायर्ड स्टेशन है और आपको सोर्स डेस्टिनेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करना है और ये पे का ऑप्शन आपको क्लियर करना है और इसके बाद आपको ये करना है। देन इसके बाद आपको QR कोड मिलेगा, इसको स्कैन करके आपको ये टिकट मिल जाएगा और आप PayTM के थ्रू इसको पे कर सकते हो। अभी मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ वो है अमृतसर एक्सप्रेस 11:57 जो कि लेट है, जिस वजह से मेरे को लगा कि यार ये वाली गाड़ी है जो पठानकोट जा रही है और ये आ रही है मुंबई से अमृतसर तक के लिए। लेकिन ये गाड़ी पहुँचाएगी अपने को 4:00 पे अमृतसर, 4:15 पर अमृतसर पहुँचाएगी, जो कि अपन इससे कंटिन्यू नहीं करेंगे सफ़र। अपन उतर जाएंगे कुरुक्षेत्र में और अपनी जो दूसरी गाड़ी थी वो जो है थोड़ा सा डिले चल रही है बट वो इससे पहले आपको पहुंचा देगी। तो मैं कुरुक्षेत्र में इसको ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि मैंने लिया जनरल टिकट, तो मैं मतलब इसके जनरल में भी सफ़र कर सकता हूं और जिस गाड़ी में बैठा हूं उसमें भी सफ़र कर सकता हूं। बट मुझे टाइम थोड़ा सेव करना है तो मैं इस वाली गाड़ी से जाऊंगा पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस से 22429 जो कि जिसके स्टॉपेज भी काफ़ी कम है। और देखिए अमृतसर ये पहुँचा रही है 3:20 पर और अभी ये निकल चुकी है पानीपत से करनाल के लिए। गाड़ी का यही प्रॉब्लम है कि हर छोटे स्टेशन पर भी रुकेगी, तो अब ये रुकेगी यहाँ नीलो खेरी, लेकिन जो अपनी गाड़ी है वो गाड़ी इसको स्किप कर जाएगी और कुरुक्षेत्र ही रुकेगी डायरेक्ट करनाल के बाद। तो इसलिए मैं इस गाड़ी को अभी कुरुक्षेत्र में चेंज करने वाला हूँ। बारिश हो रही है और फसलें ख़राब होने का डर है। तो जी आ गया कुरुक्षेत्र जंक्शन और यहाँ पर अपने को करना है डिबोर्ड इस गाड़ी को। और बारिश के मौसम ने तो यार अलग ही माहौल बना रखा है अभी सफ़र का। अपन ने तो इस गाड़ी को डिबोर्ड कर दिया और इसके बाद जो गाड़ी आएगी अपन उसमें चढ़ेंगे क्योंकि ये भी अमृतसर जा रही है वैसे, लेकिन ये 1.5 घंटा से लेके 2 घंटा डिलेड रहने वाली है अमृतसर जंक्शन तक। और इसका ऑफिशियली जो अराइवल टाइम है अमृतसर में वो है 4:10। जो गाड़ी पीछे आ रही है पठानकोट एक्सप्रेस वो अपने को 3:00 के आसपास ही पहुंचा देगी 3:10 पर। तो अपन ने इसको डिबोर्ड कर दिया है और अपन इसके पीछे वाली गाड़ी को अभी बोर्ड करने वाले हैं। गाड़ी चलती है मुंबई CST से अमृतसर तक। चलो यार इस गाड़ी को बाय करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा क्योंकि सीट भी काफ़ी अच्छी खासी मिल गई थी अपने को, लेकिन अब क्या करें मजबूरी है, टाइम भी बचाना है और जबकि ये भी उधर ही जाने वाली है। चली गई गाड़ी यार। और कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता भाई लोगों जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो, मोस्टली व्लॉगर्स का मैंने यहाँ पे नहीं देखा है। तो आप देखिए और गाड़ी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है उसका ऊपर। दोस्तों जिस गाड़ी से अपन सफ़र करने वाले हैं वो है पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से पठानकोट तक जाती है। तो ये चलेगी ओल्ड दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल होते हुए जालंधर अमृतसर और आज शाम को 6:20 तक ये पठानकोट आपको पहुंचा देगी। लेकिन अपने को जाना है सिर्फ अमृतसर तक, तो अमृतसर यहाँ पे पड़ता है 3:20। तो ये गाड़ी वैसे तो पंक्चुअल है बट थोड़ा सा भी डिलेड चल रही है शायद मौसम की वजह से क्योंकि अभी बारिश वगैरह हो रही है इस वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों बारिश के बीच में ट्रेन का सफ़र तो अलग ही होता है, उसका अनुभव बिल्कुल डिफरेंट होता है। और यहाँ पर एक और गाड़ी आ रही है कोई, ये गाड़ी है सचखंड एक्सप्रेस।
शीशा वगैरह तो साफ है। दोस्तों इस गाड़ी के सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें लगे हैं सेकंड सीटिंग के 6 कोचेस लगे हुए हैं, और इसके अलावा चेयर कार जो है एसी वाली उसमें 2 लगे हुए हैं, और बाकी जितने भी दिख रहे हैं आपको 10 से लेके 17 तक यानी कि 8 कोचेस, ये सभी के सभी जनरल कोचेस हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी के हॉल्ट की बात कर लेते हैं, तो अपन निकले थे करनाल से, तो इसका सबसे पहला हॉल्ट पड़ेगा कुरुक्षेत्र, देन अम्बाला, शिरहिंद, लुधियाना, फिर जालंधर, फिर पीस जंक्शन, देन अपने को पहुंचना अमृतसर फाइनली, लेकिन ये जाएगी आगे पठानकोट तक। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा पठानकोट तक जाना है इसको। ये पहुंच गया अपन अम्बाला कैंट, और बिल्कुल टाइम पे पहुंचाया इसने, थोड़ा आउटर पे खड़ी हो गई थी 5 मिनट पहले क्योंकि इसको प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं मिल रहा था। तो भैया यहाँ पे अम्बाला कैंट जो स्टेशन है वो देख लीजिए कैसा दिखता है, और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब अपन शिमला जाकर आए थे, अम्बाला छावनी अम्बाला कैंट, और 11:20 हो चुके हैं। बारिश देखो भाई लगातार हो रही है सुबह से, और ये कोयले से भरी हुई गाड़ी लबालब। तो भाई ये है जनरल का कोच, और मैं आपको दिखाता हूँ सिटिंग वाला जो है कोच उसकी कंडीशन भी दिखा देता हूँ। तो ये है सिटिंग वाला कोच, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये भी ऑलमोस्ट भरा हुआ ही है, एक भी सीट वैकेंट नहीं है जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है। और बारिश लगातार हो रही है, और भाई साहब फिलिंग कर रहे हैं पानी की हमारे कोच में। तो घर से यार पराठे का हैवी नाश्ता करके निकले थे, तो अभी टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो मैंने तो ये पॉपकॉर्न ही ले लिया, अभी से खाते हैं, और 2-3 स्टेशन इसी के सारे निकालते हैं। A few moments later. अपन ने सोचा था कि यार 1-2 घंटा तो लगेगा उसको खत्म करने में, तो 5-7 मिनट में खत्म हो गया, और अभी अम्बाला से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे आया हूँ मैं। और भाई सडनली मौसम की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी देखो 11:30 बज रहे हैं, 11:30 ही बज रहे हैं ना, अभी 11:45 बजने वाले हैं, और सर्दी की वजह से थोड़ा गेट वेट बंद कर दिया मैंने, और सामने चाय वगैरह चल रही है और चाय मैंने पीनी नहीं है। तो दोस्तों ये अम्बाला कैंट पे इस वाली गाड़ी ने अमृतसर वाली गाड़ी को क्रॉस कर दिया है, तो ये है अमृतसर एक्सप्रेस जो अभी अम्बाला कैंट पहुँची है, ये दिख रहा होगा आपको अम्बाला कैंट पहुँची है, और हमारी गाड़ी मैं दिखा देता हूँ आपको, और हमारी गाड़ी अम्बाला को क्रॉस करके बहुत आगे पहुँच चुकी है ये देखो, इसलिए मैंने गाड़ी को चेंज किया था। ये अपन आ गए भाई सरहिंद स्टेशन, 12:11। तो यार ये बहुत ही बड़ा घाटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये फसलें हैं बारिश के कारण ख़राब हो चुकी है मान लीजिए आप, क्योंकि 2 दिन से जो बारिश हो रही है इस वजह से ये फसलें जो हैं बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। चेक करने तो अपनी टिकट भी चेक कर ली इन्होंने। तो यहाँ पर वैसे रुकने का तो नहीं है इसका ढंडारी कला में, और भाई अचानक से जो मौसम बदला है उसका तो क्या ही कहने, लो जी रुकी गई है, लेकिन इसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो बीच में रुकी है ये, और सर्दी बढ़ गई है, मेरी को पैसेंजर से भी यही बात हो रही थी, सर्दी अचानक से बढ़ गई है, और टाइम देख लो क्या हो रहा है, 1 बजने वाला है, और
फॉग दिख रहा है मुझे कि जो है पूरा फॉग है। और अभी अभी बारिश आकर गई है यहाँ से भी, जैसा कि दिख रहा हो पानी रुका हुआ इधर। तो भाई ऑन टाइम ये पहुँच गई है लुधियाना। और भाई पब्लिक घमासान तरीके से चढ़ रही है इसमें, तो अभी देखो। इसके बाद अभी पड़े हैं बीच में दो स्टेशन जो कि है जालंधर और 20 दिन, उसके बाद अमृतसर पहुंच जाएंगे अपन। वापिस से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। पब्लिक देखिए कितनी भीड़ है, पूरी ट्रेन खाली हो गई इधर। तो भाई बता रहे हैं संतों का क्या होता है, सम्मेलन होता है, संतों का सम्मेलन होता है, जिसके कारण यहीं पे मतलब सबने एक ही टिकट बुक की थी ऐसा लग रहा है। और अभी तो पहले तो यार हाथ रखने की भी जगह नहीं थी यहाँ पे। जो गुरु की नगरी है अमृतसर में आपका स्वागत है। और ये हम आ गए अमृतसर रेलवे स्टेशन, वो भी 5 मिनट की देरी के साथ। लो भैया स्टेशन आ गया और अपने उतरने का भी समय आ गया। तो जी अमृतसर में आपका स्वागत है। और ये हमारी गाड़ी अभी अमृतसर पे खड़ी है अभी स्टेशन पे, और अभी यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि यार बीटिंग द रिट्रीट जो सेरेमनी होती है वाघा बॉर्डर पर वो अपन देखें। लो यार सुबह चले थे करनाल से और फिर अपन ने डिसाइड किया कि अमृतसर चलते हैं, और अमृतसर अपन आ गए 3:30 बजे। तो 3:30 बजे अपन यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी अपन जाएंगे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए सबसे पहले। तो चलो ये कुछ जर्नी थी अपनी करनाल से अमृतसर तक के लिए। अगर आप दिल्ली से भी आते हो तो ये ट्रेन सबसे बेस्ट ट्रेन है क्योंकि स्पीड के मामले में और टाइम के मामले में बहुत पंक्चुअल गाड़ी है, तो आप इससे आ सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करके जाना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर की तरफ, और भाई नहीं तो भीग जाएंगे। और बारिश ने कहा तो मूड बना भी दिया और मूड खराब भी कर दिया। बॉर्डर के बाद अब सीधा अपन गोल्डन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं।